ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, बीजेपी नेताओं की मन की टीस रह रहकर सामने आ रही है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का समर्थन दिया, लेकिन भारी मन से मुख्यमंत्री पद पर भी आसीन करना पड़ा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए गए। हालांकि बीजेपी नेताओं को यह बात अब तक हजम नहीं हो रही है कि फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। इस बात को लेकर इस बार महाराष्ट्र बीजेपी के यूनिट के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उप मुख्यमंत्री फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की है। इसके बाद शिंदे गुट नाराज बताया जा रहा है, जबकि स्थानीय राजनीति एक बार फिर गर्मा रही है। बावनकुले का यह बयान पूर्ववर्ती चंद्रकांत पाटिल के उस बयान के कुछ महीने बाद आया है, जिसमें पाटिल ने कहा था कि पार्टी ने भारी मन से फडणवीस के बजाय शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। पाटिल फिलहाल शिंदे सरकार में मंत्री है। बता दे, नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बावनकुले ने कहा कि जब तक मैं भाजपा की राज्य इकाई का अध्यक्ष हूँ, फडणवीस को बनना चाहिए। इसके बाद शायद बीजेपी नेता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने वाक्य को वहीं अधूरा छोड़ दिया और कुछ देर के लिए चुप हो गए। इसके बाद दर्शक दीर्घा में से मुख्यमंत्री का शोर मचने लगा, तो बावनकुले ने भाषण जारी रखते हुए कहा, हम सभी को इस तरह से कार्य करने की जरूरत है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद मिल जाए। यह उन्हें पद दिलाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र के समग्र विकास के लिए है। चंद्रशेखर बावनकुले ने यह कहते हुए महाराष्ट्र की राजनीति को गर्मा दिया कि अगर कोई एक व्यक्ति महाराष्ट्र के भविष्य को परिभाषित कर सकता है तो वह केवल देवेंद्र जी है। आपको बता दे, इससे पहले 30 जून को शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सभी को चौका समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया था। इस मौके पर बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि हमें एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो सही दिशा दे और स्थिरता दे सके। केंद्रीय नेतृत्व और देवेंद्र जी ने भारी मन से शिंदे को बतौर मुख्यमंत्री समर्थन देने का फैसला लिया है। हम ना खुश थे, लेकिन इस फैसले को स्वीकार किया। बीजेपी नेता के इस बयान पर एनसीपी ने चुटकी ली है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भाजपा की नजर में वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे का कोई महत्व नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।